देखिए, ये मानकर चलना ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। कोटा में एक बच्ची का सुसाइड करना, हमारी भी आत्मा रोती है, बेटियां बहुत प्यारी होती है। मैं तो सबसे कहता हूँ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। वो सिर्फ पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने सपने पूरे करने के लिए बच्चों के सपनों को नहीं कुचल सकते। आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आप पैसे लेकर पढ़ा रहे हो, फ्री में थोड़ा पढ़ा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। तो आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के साधन भी, मनोरंजन क्या होता है, पिक्चर भी दिखानी पड़ेगी, पार्क में भी घुमाना पड़ेगा। उस पैसे में से आप हिस्सा तो निकालोगे, हमेशा फीस बढ़ाते ही रहोगे। और वहाँ पर आपको छत खुली है तो छत भी ढकनी पड़ेगी, आपको पंखे भी ठीक करने पड़ेंगे। सरकार ने तो कमेटी भी बना दी, हम एक्ट भी लाएंगे, ले आएंगे, इन पर कंट्रोल भी कर देंगे। मैं तो मदर फादर से भी कहूँगा, अपने सपने पूरे नहीं हुए तो बच्चों पर कम से कम प्रेशर बिल्डअप मत करो, बच्चों को दोस्त बनाओ, बच्चों के टच में रहो, मदर फादर को सबको ये तैयारी करनी पड़ेगी। और सरकार अपनी तरफ से जान लड़ा देगी, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, करेंगे। रूल्स रेगुलेशन बनाने हुए बनाएंगे। काउंसलिंग का प्रोग्राम हमने भी चालू किया, हमारी जो सरकार कर सकती है सब कुछ करेगी, लेकिन सुसाइड रोकने के लिए जान लड़ा। सर, अपनापन भी देखा गया, अपनापन नहीं मिल पा रहा बच्चों को यहाँ पर, माता पिता कैसे मिलेगा। मदर फादर की भी जिम्मेदारी, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की भी जिम्मेदारी, की अलग विंग बने जो बच्चों में फेमिलियर एटमोसफेयर खड़ा करे। बच्चे कहीं दबाव में है तो उनको अपने साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। बच्चों पे अननेसेसरी एग्जाम नहीं, तो पे वीकली एग्जाम ले रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, परेशान कर रहा है, बच्चे के नंबर कमा रहे हैं, दूसरा बच्चा उसकी मजाक उड़ा रहा है। यदि वो मजाक नहीं उड़ा रहा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर उसको कुछ कह रहा है, तो वीकली एग्जाम से वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं बन रहा है। तो आपका एग्जाम, आपकी, हमने जब UPA की सरकार थी उस वक्त हमने ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया था 12th तक। क्यों किया था? कि बच्चों के सपने नहीं टूटे, बच्चा डरे नहीं, घबराए नहीं एग्जाम से, क्योंकि आप ग्रेडिंग से उसको प्रमोट तो करो कम से कम क्लास में। तो बच्चों की जो सुसाइड हो रहे हैं उससे तो आत्मा रोती है, हमारी भी। उसको रोकने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई कर सकते हैं करेंगे, और काउंसलिंग का और बाकी सब माहौल बनाकर और इस सुसाइड रोकने के लिए पूरी जान लड़ाएगी। सर, कोचिंग संस्थानों में कंपटीशन भी देखने को मिला है कि अगर इसका बच्चा आगे बढ़ रहा है तो हमें भी अपने बच्चे को कोचिंग संस्थान के बच्चे को। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एहसान कर रहे हैं क्या, पता वो क्या करते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं जो टॉपर हैं, तो उसके घर जाएंगे, जाकर कहेंगे हम आपको इतनी सुविधा देंगे, आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे और ये सुविधा देंगे। तो आगे बढ़कर वो कुछ ना कुछ देते हैं, टॉपर को पकड़ के ले आते हैं, समझ गए? बड़े एम्पायर जो खड़े, मुझे सबकी पोल पता है, ये जो बड़े एम्पायर खड़े किए ना इन्होंने, बड़े बड़े नाम हो गए, वो सावधान रहें, माल निकल जाएगा एक मिनट में, खाए पिया, ये बच्चों से कमाया है। अब बच्चों का सुसाइड होता है क्या, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले की आँख नहीं रोती, शर्म नहीं आती? तो एक टॉपर जो टॉपर होता है भाई, DNA बोलता है, जिसके माँ बाप होशियार बच्चा है उसका बच्चा भी होशियार होता है। तो आपने देख लिया बच्चा टॉपर है, 10th में टॉप कर रहा है, 8th में इसकी परसेंटेज 99 है, तो टॉप करेगा ही, उसको अपने इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं नाम कमाने के लिए। तो बच्चा 100% टॉपर होता है, वो तो टॉपर होता है तो वहाँ भी टॉप करता है, तो उसको आप आगे बढ़ के सुविधा देते हो, ये बात हमें भी पता है। और आप उनका फिर नाम छापते हो और अपने इंस्टीट्यूट का नाम करने के लिए, तो सारे बच्चे तो आप वैसे बना नहीं पाओगे, इसलिए झूठा माहौल बनाने वालों का भी इलाज करेंगे।